भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश स्वतंत्र होने में कौन सा भारतीय जनता पार्टी देश में कुर्बानी दी? कांग्रेस ने कौन सी कुर्बानी दे दी? सारे कांग्रेस की देन है। अरे हट, बात करते हो, बकवास कर रहे हो। अरे हो, सुनो। अरे 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 मैं दे रहा हूँ, सुनो मैं दे रहा हूँ जवाब। आप क्या दोगे? अरे सुनो आज मानसिकता, आज नेहरू ही ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ। सुनो, आजादी के बाद जो जीरो वोट से बना प्राइम मिनिस्टर, किसने वोट किया? कुर्बानी, कुर्बानी वही मानसिकता आज भी कुर्बानी वाला थी। जो कहते ना कांग्रेस कुर्बानी नहीं दी, कांग्रेस ने देश को गुलाम बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था देश को, आज स्वतंत्रता मिली है। कांग्रेस आप मसलन चुनाव करा रहे हो, बैलेट अगर हिम्मत हो, छत्तीस इनके सीना है तो बैलेट पेपर से बैलेट कराओ ना। तुम्हारे में इतने हिम्मत है, बैलेट पेपर करवाओ, हिम्मत करवाओ ना। असलियत आ जाएगा। अब आजादी तुम मसीने खींच रहे हो तो मशीन में जीतते रहोगे। तो वाले पेपर लेके तो वाले पेपर तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हारी बस की नहीं है, बोले तुम्हारी बस की नहीं है। हाँ देखा, तुमने क्या देखा? जो आपने देखा तो आप लगवाते, आपने देखा ये बताओ। विपक्ष को बुला करके मोदी जी ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि इसको हार क्यों गई है ना। अभी आपने बोला अभी ईवीएम मशीन जो आया उससे वो तो चला गया, मतलब उसके लिए क्यों लोग कह रहे कि ये जा रहा है? क्यों जाएगा वो? क्यों ईवीएम मशीन क्यों हटाना चाह रहे हैं? नहीं हटेगा। क्यों नहीं? फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि हटाओ? क्यों कह रहे हैं? वो नहीं हटेगा। तेलंगाना में ईवीएम मशीन के बोल रहे हैं भाई साहब, ईवीएम मशीन हटाएं और बैलेट पेपर पर कर दीजिए। मैं ठीक है, इन भाई को मैं समर्थन करता हूं। आप तो बोल रहे हो आपके जो नेता जो इलेक्शन लड़ेंगे जिस जगह से, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के दावादार भी है, वो अपने मुंह से कभी बोला है भी हटाओ? नहीं बोला। क्यों? जो लड़ रहा है वो नहीं बोल रहा, आप चार आदमी बोल रहे हो। वो जैसे अभी यात्रा निकाल रहे हैं उसी तरह वो यात्रा लगा देते कि हमें ईवीएम मशीन हटाओ, बैठ जाते और तब जाके तब जनता विरोध करता। जनता विरोध कर रहा हो फिर भी कान में रुई डाला हुआ है, इसका मतलब तुम भी चोर हो। ये खातिर हम ये चीज पर समर्थन नहीं करते। कह रहे विपक्ष एकजुट होके क्यों नहीं बोल? कहने का मतलब है कि विपक्ष जो भी बोलता है उनके पीछे सीबीआई ईडी लग जाती है। सुनिए कारण क्या है, मैं बता रहा हूँ। सुन ले, पहले नंबर तो धारा और अनुच्छेद के बारे में जाना करो। अपने देश में अनुच्छेद नेहरू को लेकर आप क्या बोल रहे हैं? नेहरू के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम इनसे एक बात बोलते हैं कि देश एक देश आजाद कराने में कितने धर्म के लोग देश आजाद कराए? एक मिनट, ठीक है। तो आज हिंदू मुस्लिम के बंटवारा के लिए क्यों बात चलती है कि हिंदू और मुस्लिम कर रहा है? कौन कर रहा है? आज मोदी जी का शासन, सुनो आज मोदी जी के शासन काल में जितना विकास, जितना फायदा आप जिसके लिए करे ना हिंदू मुस्लिम की बात, कोई योजना बता दो जो मुस्लिम को नहीं मिला हिंदू को मिला, कोई योजना बताओ। सुनो योजना से पेट नहीं भरता, नौकरी दो ना, बेरोजगारी दूर करो। सुनो, अरे नहीं यार, सुनो एक मिनट, सुनो आप किसी जगह पर रसिया से मिलकर या मान लीजिए कि जर्मन से मिलकर बोकारो जैसा स्टील प्लांट खोल दिया जाए तो कितने को रोजगार मिलेगा?
बताओ आप उनसे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम कई योजनाएं निकाल रहे हैं। योजनाएं से नहीं है, उनसे पूछो कि ये अगर कहीं ये कुछ बना रहे हैं तो रसिया से जापान से मिलकर अगर बोकारो स्टील प्लांट के तरह कंपनी खोल दिया जाए तो कितने रोजगार मिलेगा। आज जितने सुनो पहले जितनी फैक्ट्रियां स्टील की थी आज भारत स्टील विदेशों में सप्लाई कर रहा है। ये क्या योजना की बात कर रहे हैं? मुसलमान नहीं राशन ले रहे, ये बताओ मुसलमान नहीं राशन ले रहे? अरे जब तुम नहीं सुनो, तू कितना दिन खा रहा है? रोजगार के बारे में उन्होंने पूछा, उस पर तो वो तो बहुत मिल रहा है रोजगार। और कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? बहुत मिल रहा है भाई। कितने मेंबर? कितने मेंबर है? मेरे घर में चार मेंबर है। चार मेंबर? कितना राशन मिला भाई? 20 किलो मिला। 20 किलो आया चार जन के कितने महीने में खत्म हो गया? राशन नहीं हुआ? अरे एक चाय पत्ती मिल रही, चाय पत्ती महीने में तो गुजारेंगे क्या? तुम आज योजना की बात करते हो ना, इन्होंने कहे सब धर्म को लेकर। आज मोदी जी सारे धर्मों को सम्मान करते हैं, सारे धर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। अब उनकी योजना से सारे धर्म को फायदा हो रहा है, तभी तो मोदी जी जीत रहे हैं। इनके अकेले विरोध करने से मोदी जी हार नहीं जाएंगे, या मेरे सपोर्ट करने से मोदी जी जीत नहीं जाएंगे। मोदी जी से सबको संपन्न है, पूरा देश खुश है। तुम्हारे उनके योजना से हर धर्म को फायदा हो रहा है, इनको पता नहीं है। एलो के पता नहीं है क्या ये बताना जरा? योजना क्या? क्या योजना होती है आप बताओ? योजना चल रही है, क्या योजना लेते चाहते हो आप? सारी योजना तो चल रही है। योजना क्या मुसलमान को नहीं मिले? आवास योजना नहीं मिले? आवास योजना मुसलमान को नहीं मिले? दिल्ली में घूमे आप? पहले दिल्ली में घूमे? आज मोदी की सरकार है जो दिल्ली में घूम रहे हो आप? मतलब मोदी जी की वजह से घूम रहे हैं? यूपी का होगा। दिल्ली में मोदी जी की वजह से घूम रहे हैं हम? भाई आप योजना बताओ, क्या योजना है? योजना बता दीजिए। सुनो मैं बता रहा हूँ, आवास योजना सबको मिला है, इसमें किसी को अरे हमें भी मिला। मुद्रा लोन योजना, मुद्रा लोन योजना, ये भी तो योजना है। जिससे क्या बात करते हो? और क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आपने न्यूज में सुना ये योजना के बारे में? तुम क्या क्या बात? योजना बता रहा हूँ, न्यूज में आए। अरे हमें कोई सी आप कह रहे हो योजना है, आप बताओ योजना कौन सी है? योजना पूछो जिससे फायदा हो। तुम्हें मिलने आपको आपको सरकार कुछ नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें मिलने चाहिए। आप योजना कह रहे थे, बताओ कौन सी योजना है? कौन सी योजना चाहिए यार? मैं क्या बताऊंगा? आप बताओ यार, आप बताओ। कौन सा योजना नहीं है? जिस योजना से फायदा हुआ है वो योजना बताइए। देखो सरकार सरकार किसी को राशन देगा, मतलब सरकार इनको पैसा देगा, राशन भी देगा, हर चीज करेगा इनको। योजना हो गई क्या? राशन देगी तो वो योजना। 5 किलो गेहूँ मिल रहा वो योजना में आ गया। तू समझाना, पूरा महीने चलेगा भाई वो योजना। 5 किलो राशन जो मिल रहा है पूरा महीने चलेगा, पूरे महीने नहीं चलेगा भाई वो। नहीं इधर मेहनत करो, ये महीने में चलाएगा। 5 किलो राशन पूरा महीने भर चल जाएगा? नहीं मेरा चलेगा, किसी को नहीं चलेगा। आज मोदी जी का विरोध कौन कर रहा है हिंदुस्तान में? कोई नहीं कर रहा। आज मोदी जी मोदी जी का विरोध वो कर रहा है जो सुनो हाथ उधर से बात करो, मैं कर रहा हूँ। मोदी जी की योजना वो कर रहा है जो कांग्रेस के टाइम में मजे लेते थे, बहुत मजे लेते थे। सड़कों पे नमाज पढ़ते थे, सेनाओं पे पत्थर मारते थे, और जो हमारी धर्म यात्रा निकलती थी उस पर पत्थर मारते थे। वही लोग आज मोदी का विरोध करता था, हिंदुस्तान कौन मोदी का विरोध करता है? मुसलमान पत्थर मार रहे हैं, मुसलमान ही सब कुछ कर रहे हैं। इस 9 साल में एक बार बताओ मुसलमान ने किसको मारा है? एक का भी नाम बता दो, बुलाओ ही ना। किसी ने नहीं मारा भाई, मुसलमान ने मारा किसी? क्या मुसलमान ने किसी चीज का विरोध करो? बुलाओ ही ना। बताइए आपको क्या लग रहा है, विरोध क्या क्या था मुसलमान का? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो बाबा झोला लेके भाग गए, अब उनकी बात खुल गई। बोल आपको विकास किसकी सरकार में ज्यादा नजर? केजरीवाल की सरकार में अच्छा लगे। केजरीवाल की सरकार में अगर काम मिल रहा है तो सही है, अगर बीजेपी काम देखे तो बीजेपी सही है, कांग्रेस भी सही है। विरोध करने का क्या दिक्कत है? सरकार बीजेपी सरकार
प्राइवेट सेक्टर में काम दे रही है, सरकारी में सरकारी राशन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे बात हो रही है, महंगाई और सरकारी का देखो बहुत भीड़ है यहाँ। हम बोल रहे हैं कि जितना सरकारी सेक्टर है ना, जो भी सरकारी सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेट करते जा रहे हैं, ये बात सही है। प्राइवेट सेक्टर में काम सरकार दे रही है, अब कोई किसी को पकड़ के तो मुझे ले जाएंगे नहीं, चलो मैं इधर काम दे रहा हूँ, काम ढूंढना पड़ता है खुद को। अगर नेता को नेता बनना तो वोट मांगता नहीं मांगता है, तो काम चाहिए तो काम ढूंढो, तुम निकलो मार्केट में, निकलो शहर में, कह रहे काम चाहिए तो काम ढूंढो, सरकार काम ढूंढे नहीं नहीं सर सर आएंगे हम में तो ताकत है, हम कमाएंगे खाएंगे कुछ भी करेंगे, हम क्यों कूदेंगे, तुम कूदो, मोदी जी कूद जाए। अरे भाई सरकार क्या कर रही है वैकेंसी के लिए, ये सरकार सरकार वैकेंसी खुद कम निकाल रही है। अच्छा मंदिर मंदिर खाने खाने के देगा क्या रोज, खाना खाने को सही ताली बजाओ, अपना आप आ जाएगा ऊपर से टपक के, मोदी दे देगा अपना एकदम राय देगा, भाई सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दे के कोई कुछ नहीं देगा, खाने पीने दो। मोदी जी क्या बता रहे हैं, हमने तो चांद उठवादी मंदिर बनने की खुशी में इतना बताया है हमें, क्या काम आपको पसंद आया, मोदी काम बढ़िया कर रहा है, कुछ भी नहीं, गंगा एक्सप्रेस बनवा दिया, किसने बनवाया, चला लोगे बुलेट चला लोगे, ये जनता बढ़ रही है और ये बढ़ी क्या करोगे, रोड सब काम पड़ रहा है भाई, घर में बिल्डोजर चलवाओ, चलेगा चलेगा अमीरों के पे चलना, अमीरों के पे बिल्डोजर, और ऐसे ही चलाएगा बाबा बिल्डोजर बिल्डोजर फटाफट बनने दो, और अभी फिर बनेगी उसी की सरकार मोदी की, फिर बनेगा मोदी जी की, बाहर से इंसान है जरूर बनेगा यहाँ पर, नहीं वो ये भाई ने मेरे को क्या बोले, मंदिर में बैठ एक महीने बैठेगा तो एक महीना खाना मिलेगा, जिंदगी भर का लाइफ टाइम के बात कर रहा यार, लाइफ टाइम खाना खाओगे मंदिर में, मंदिर ले जाए, ये बोले ना रोज खाएंगे, चलो मैंने लाइफ भर मंदिर में बैठ, सुनो हेलो मैम लाइफ में बैठ के मंदिर में खा लिया मैंने, चलो ठीक है, तो मेरे परिवार मंदिर में खाने आएगी क्या, मेरे परिवार रोज मंदिर आएगी क्या, किराए कौन देगा, मोदी किराए देगा क्या आने के लिए यहाँ पर मेरे को, ये मंदिर जाने वाले हैं, किराए कौन देगा, इसलिए बोले इनको ये बोल रहा है कि मंदिर देखो काम ही सुनो काम भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, नमाज पढ़ना भी जरूरी, हर चीज जरूरी है, जरूरी की नहीं है, जरूरी सिर्फ काम ही हो, पूजा पाठ भी करे, नमाज भी पढ़े लोग, हर चीज करे, धर्म के अलावा और मुद्दे, ये बोले है कि मतलब मंदिर खाना देगा, बोला लाइफ टाइम खाना देगा मंदिर, जाइए मंदिर में मैं खा लूंगा लाइफ टाइम, सो के भाई मैं लाइफ टाइम खा लूंगा भाई, जो तुम मंदिर मंदिर की खराब काम किया ये मंदिर है, खराब काम किया है, कोई भी हो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी काम ये तो बढ़िया दिया है, बात पूछूं, हाँ तुम्हारे घर के पास मंदिर है, कितनी बार जाते हो सर, एक बार भी नहीं जाते, छोड़ दो अयोध्या छोड़ दो, जाते हैं हम जाते हैं सुबह शाम जाते हैं हम मंदिर में, सुबह शाम जाते हैं हम जाते हैं सुबह शाम, अकेले हो मंदिर में, तुम अपने घर के अकेले हो, बाकी कोई नहीं जाता, ये सब जाते हैं हिंदू बिरादरी सब जाती है, सुनो सुनो अब बात सुनते रहना, दो मिनट दो मिनट दो मिनट दो मिनट दो मिनट दो मिनट बात सुनो,